एक बार किरण से मेरे को आज उसके बारे में फिर से पता करना है कि अगर सब जगह चर्चा ये हो रही है कि निफ्टी की सिर्फ औपचारिकता है और ऑल टाइम हाई टेस्ट कर देगा, रिलायंस का बहुत बड़ा रोल होगा, तो रिलायंस 2520 पे अगर मान लीजिए मैं आज खरीदता हूँ किरण, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और मेरा टारगेट क्या होगा? सोरल रिलायंस की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर किसी के पास ये पोजीशन नहीं है, फ्रेश पोजीशन लेनी है, सो आई वुड सजेस्ट कि 2520 पे ना लेते हुए या तो फिर डिप मिलता है 2500 के आसपास तो वहां पे लीजिए, या तो फिर कल का जो हाई है 2530 उसको क्रॉस होने दीजिए, क्योंकि कल एक हमने टेक्निकली क्रॉस ओवर या तो एक कहा जाए एक दोजी कैंडल सिक्स पैटर्न में नहीं, तो कहीं ना कहीं एक अनडिसाइसिव जोन के अंदर है, तो इट इज बेटर कि आप इसके सपोर्ट यानी कि 2500 के आसपास बाय कीजिए या फिर 2530 के ऊपर बाय कीजिए। अब इन दोनों केस में हमें जो स्टॉप लॉस फॉलो करना है वो 2480 का रहेगा, 2480 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, इधर आप 2530 है तो 2500 पे बाय कीजिए, और ओवरऑल जो टारगेट है वो पोजिशनल टारगेट यहाँ से 2630 तक का हमें रिलायंस इंडस्ट्री में लग रहा है बेस्ड ऑन नोटेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट। ये JSW एनर्जी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था लेकिन स्टॉक नहीं डिस्कस कर पाया। खबर तो आ रही है इसमें 500 मिलियन की फंडिंग आएगी उसके रिन्यूएबल आर्म में, टॉप में 400 रुपए गया था, ये 60